जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों इसराइल के साथ में बहुत सारा डिस्टरबेंस चल रहा है। हम लोग बेसिकली जेरूसलेम होली लैंड टूर को ऑर्गेनाइज करते हैं मिंच ट्रैवल के नाम से, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त हमारा एक ग्रुप जेरूसलेम और इजिप्ट और जॉर्डन के टूर में गया हुआ है। होपफुली हम लोग प्रेयर करते हैं कि वो लोग अच्छे से सही से जा कर के लौट जाएँ, 19-20 तारीख अप्रैल में वापस आएंगे। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्टिंग कि प्रेयर उन लोगों के लिए कर दीजिए और उन लोगों के साथ साथ और भी हमारे इंडियंस के लिए कीजिए जो लोग इसराइल में किसी काम से गए हैं और वहाँ फंस गए हैं, साथ ही साथ ईरान में गए हैं और वहाँ फंस गए हैं। इन दिनों बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है और चूँकि किसी कारण से मैं होली लैंड टूर को प्रोसीड नहीं कर पाया, पर्सनली मैं नहीं जा पाया, लेकिन सारा चीज़ होपफुली अच्छा हो। पार्ट पढ़ने के पहले का प्रैक्टिस है। चुके हैं कि हम लोग एक शादी में शरीक होने के लिए निकले हैं पालकोट के अंदर। आप गिरजाघर में आशा लेकर आए हैं, टीचर आप दोनों को पुरोहित तथा क्रिस्तीय भाई बहनों के सामने आपका प्रेम पात्र बंधन से सुदृढ़ कर दे। आप किस प्रेम पर प्रभु ख्रीस्त की प्रचुर आशीष रखती है। बपतिस्मा संस्कार में उन्होंने आपको पात्र बना दिया है, विवाह संस्कार में वे आपको विशेष रूप से दृढ़ तथा पुष्प बना देंगे। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24 तक। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। शरीर से जिस तरह प्रभु की पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह लोगों का भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि आपके शरीर क्रिस्त के अंग हैं? जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। आत्माति के अनुसार पवित्र समाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 3 से 6 तक। जिससे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपने पत्नी को त्याग देना उचित है? क्योंकि हमें बहुत बार सोसाइटी पाएगी, चलिए कहा पर बहुत धर्म जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे उतने हैं, लेकिन हृदय में बहुत गहरा हाथ आगे और एक तरह से कहा प्रभु ईश्वर कभी रचना हुए सृष्टि हुए वो एक उद्देश्य के लिए है। वास्तव में सृष्टि हुए भी पूरा कर दिए थी है, ये सब चीजें आगे लगे सेने भाई बहुत सुंदर मौका प्रभु ईश्वर के सामने मनावा है। प्रभु ईश्वर से आशीर्वाद ले रहे हैं।
और वांछित दीर्घ आयु प्राप्त कर संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज में पहुंच सके, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। जिससे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं,
तो जगह एक चीज के याद करब, वास्तव में हमें आशीर्वाद देवे ले पहुंची मड़वा में वर वधु के उम्र के बैठला और उजगा में आशीर्वाद दे दिल। तो यह मेन चीज के जरूर खेट पिए कर वो चीज प्रोग्राम आए, लेकिन मुख्य बात कहा बोले दियो जन के वास्ता में जितना भी उजगा पहुंचे मड़वा में आशीर्वाद देवे ले पहुंचे। तो मैं भी दियो जन के आगे कर जीवन ले नोरबट से आशीर्वाद स्वरूप उमन के बधाई देवन और शुभकामना देवन कि उमन अच्छी तरह से अपन जीवन में आगे बढ़बे। साथ ही साथ ये कुल किराकर कार्यक्रम और हमने पोकर में जो भी कार्यक्रम हुई वो भी बहुत अच्छी तरह से हो, यह मोर शुभकामना रही। और इन आखिरी में मैं आपसे प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। जय यीशु। बधाई सबके। मन गुंजे पहला आइटम ठीक ही गए। चलिए फाइनली खुल गया है हम लोग का खजाना। क्या बोलते मन गुंजली एक टीचर में क्या है दो पीस किरे में जॉइंट थी। पैसा नहीं के ऐसे तो गिन के दो तबे ना विश्वास करवाए बनिया मन दस गिने ना ले तो ये धोखा हुआ था डुप्लीकेट का हुआ है ऐसे फॉल्स हुआ नीचे नीचे मुंजा आप चौथा में आओ कुकू साड़ी में तीन पीस है इसमें तीन पीस के में जॉइंट करा ले। अभी कंबल को लड़की वाले लोग लेना नहीं चाह रहे हैं, एक कंबल के बदले 1000 रुपये चाहिए ऐसा बोल रहा हूँ। कर लिया था तो उसने क्या कहा कमल बटर इधर आओ फाइनली। अभी इशू ये है कि हमको पतला कंबल मिला है बोल करके 1000 रुपये एक कंबल का मांग रहे हैं, ये नहीं चाहिए जो मिल रहा है अभी टाइम। बोलो पूछा बोलो
अन्या साड़ी दो पीस और देवती आदि साड़ी चाहे तो कम्बल एक पीस। हाँ कम्बल हके गर्मी में नहीं ओढ़ना है। एक सौ पाँच सौ एक हजार चार हजार दस हजार एक लाख दो लाख एक करोड़ दो करोड़ तीन करोड़ फिर पाँच सौ एक रुपया इक्यावन रुपया इक्कीस दहाई इक्कीस दहाई सैकड़े हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ खरब दस ओजान है एक ओजान है खर्चा लागे हर जाना। ये एक नेक दस्तूर है नेक दस्तूर है तो दुनिया करे के तो नीति जान 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 उधर रखा गया है। देखिए उधर एक हजार रुपया उनको दिया गया है क्योंकि पतला कंबल बताया। लड़का वाले लोग ये मोटरिक उठा के लाए हैं इसीलिए हम लोग के महिला संघ ये महिला को खर्चा चाहिए जो लोग दे रहे हैं। दस रुपया दिए थे तो इन्होंने कहा कि मंगा भी दस रुपया नहीं लेता है। चोट लग जाएगा चोट लग अब इस तरह से यहाँ का कार्यक्रम खत्म हुआ। अब विदाई होगी।